Welcome back to my YouTube channel in the Glam Girl Rose. What? Yes guys, मैंने अपने चैनल का नेम चेंज कर दिया है शिवानी का सीक्रेट की जगह. Oh no. Sorry, सीक्रेट की जगह मैंने ग्लैम द ग्लैम गर्ल रोज कर दिया है. तो डोंट वरी गाइज, बस मैंने अपना नेम चेंज किया है. मैं चेंज नहीं हुई हूँ ना कभी होंगी. नो एंड नेवर. मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आप अपने स्किन को नेचुरली बना सके, नेचुरली ग्लो बना सके. अगर इस जनरेशन में लॉकडाउन में मनी की बहुत ही प्रॉब्लम है, और अगर आप मार्केट में जाते हैं, अगर आप दो चीज़ लेते हैं तो आपकी तो 500 रुपीज़ ईजिली खर्च हो जाती है. सो गाइस, इसलिए मैंने सिर्फ अपने चैनल पे सिर्फ और सिर्फ नेचुरल टिप्स ही आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपनी स्किन को नेचुरली ग्लो बना सकेंगे, और आपको उसमें ज़्यादा पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी. और गाइस, 100% आई एम श्योर कि आप इस होम रेमेडी को यूज़ करके आप बहुत ही हैप्पी होने वाले हो. गाइस, आज की वीडियो है कोरियन स्किन के ऊपर. गाइस, आप सभी जानते हैं कि कोरियन की जो लड़कियां होती हैं उनकी स्किन बिल्कुल बेदाग और ग्लॉसी स्किन होती है. कितनी वाइट होती है उनकी स्किन. वो 50 साल एज की भी हो जाती हैं तो उनकी स्किन और भी ग्लो करती है, और भी वाइट और शाइन करती रहती है. उनके पीछे कोई सीक्रेट है, सीक्रेट्स रेमेडीज़ हैं जो मैंने बहुत ही रिसर्च किया है और पहले खुद के ऊपर यूज़ किया है, देन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. गाइस, बहुत ही दिनों से कमेंट सेक्शन में ये बातें आ रहा था कि दी आप अपने फेस पे क्या अप्लाई करते हो, जो कि हमेशा साइन करते रहते हैं, जबकि मैं मेकअप ही नहीं करती. और मैंने ये फर्स्ट टाइम मेकअप किया है. मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं किया है, बस आई शेडो, आई मेकअप किया है, और लिपस्टिक और अपनी क्रीम अप्लाई करके. मैंने फाउंडेशन भी नहीं लगाया है, ना ही मैंने प्राइमर ना कंसीलर कुछ नहीं लगाया है. बस मैंने अपना जस्ट सिर्फ टोनर, सीरम, क्रीम और ब्लशर एंड हाइलाइटर के लिए लगाया है. सो गाइस, आज मैं आप लोग को वही चीज़ें बताने वाली हूँ जो अपने मैं वीकली वीक में दो बार यूज़ करती हूँ. और गाइस, सॉरी लेट बताने के लिए, क्योंकि मैं इसके रिजल्ट का वेट कर रही थी. तो गाइस, आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और स्किप करने का तो सोचिएगा भी मत, क्योंकि गाइस आप अगर स्किप करोगे तो आप वीडियो का मेन पार्ट भी मिस कर सकते हो. सो प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो. आप मिस कर दोगे कि मैंने इस वीडियो को कैसे बनाया है, कैसे अप्लाई किया है, जस्ट स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, वीक में कैसे यूज़ करना है, कितने बार यूज़ करना है, क्या क्या यूज़ करना है जो आपके स्किन को बिल्कुल नेचुरली बनाएगी. तो या जो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम एक बॉल में लेंगे राइस फ्लोर और कच्चा दूध. दूध बिल्कुल कच्चा होना चाहिए, उबला हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए. ये हमारे स्किन को जो है हाइड्रेट रखेगा, एकदम वाइट ग्लोइंग स्किन बना देगा. दूसरी चीज़ जो है वो है राइस फ्लोर. ये आपके स्किन को जेंटली क्लीन करेगा, डेड स्किन को हटाएगा, स्किन को बेदाग क्लीन और गोरा बनाएगा. देन लास्ट चीज़ जो है वो है ग्लिसरीन. ये हमारे स्किन को चमकदार करती रहेगी. अब हमारा स्क्रब बिल्कुल हो गया है तैयार. गाइस, यू नो वेरी वेल कि ये सारी चीज़ें कितनी नेचुरली है और हमारे स्किन के लिए कितनी इफ़ेक्टिव हैं हमारे स्किन को नेचुरल ग्लो देने में. देन अब हम अपना रेडी करेंगे पैक जो है बेसन से. बेसन तो आप लोग जानते ही हो कितनी नेचुरल चीज़ है. ये हमारी पुरानी ज़माने से यूज़ होती आ रही है. और उसमें भी हम मिलाएंगे कच्चा दूध, कच्चा दूध और सिर्फ बेसन. ये हमारा पैक भी हो गया है तैयार. सो अब गाइस, हमारा स्क्रब और पैक बिल्कुल तैयार हो चुका है. अब मैं बताऊंगी आपको यूज़ कैसे करना है इसे. सबसे पहले अपने स्किन को अपने फेस वाश से अच्छे से क्लीन कर लीजिए, और अपने बालों को अच्छे से टाई कर लेंगे ताकि रेमेडीज़ करते टाइम ये हमारे फेस पर आकर हमें डिस्टर्ब ना करें. अब अपने फेस पर इस स्क्रब को अप्लाई करेंगे और अपने दोनों हाथों से इसे सर्कुलर मोशन में
अप्लाई करेंगे जिससे ब्लड सर्कुलेशन भी होगा और इससे हमारे फेस पर जो है एक अलग तरह का ग्लो आता है। देन हम अपने नोज़ पे भी करेंगे जिससे राइस फ्लोर ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स और गंदगी को साफ करेगा। इसे अपनी आँखों की तरफ भी हल्के हाथों से मसाज करेंगे जिससे डार्क सर्कल्स जो होंगे वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, अगर आपके हैं तो, मेरे तो बिल्कुल ही नहीं है। तो आप इसे यूज़ करके बहुत सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने वाले हो। और गाइस मैं इसे रात को ही यूज़ कर रही हूँ, तो कच्चा दूध हमारे स्किन को हाइड्रेट करेगा, रात भर मॉइस्चराइज करेगा, बेदाग बनाएगा, हमारे स्किन के डार्क स्पॉट्स को एक्ने को रिमूव करेगा और ग्लिसरीन हमारे स्किन की जमे हुए मैल को हटाएगा और स्किन को चमकदार बनाएगा जिससे आपकी त्वचा बिल्कुल नेचुरली शाइन करेगी। देन गाइस इसे 15-20 मिनट बाद मसाज करते हुए आपको एक स्पॉन्ज लेना है और उससे हल्के हाथों से आप देख सकती हो ऐसे रिमूव करना है। उससे क्या होगा कि हमारा स्किन बहुत ही अच्छे से साफ हो जाएगा, जितना भी डर्ट निकला हुआ बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाएगा। गाइस अगर आप कोई बाहर की स्क्रब खरीद कर यूज़ कर रहे हो तो गाइस उससे अच्छा इफ़ेक्ट आपको इस नेचुरल होम रेमेडी फेस स्क्रब के आगे कुछ नहीं होगा। अब नाउ नेक्स्ट गाइस हम यूज़ करेंगे फेस पैक जो हमने बेसन और कच्चे दूध से बनाया है, इसको पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे। पूरे फेस पे अच्छे से लगाने के बाद हम इसे सूखने देंगे, जब तक ये सूख नहीं जाता इसको हम टच नहीं करेंगे। देन गाइस आप देख सकते हैं ये पूरे अच्छे से फेस पे सूख चुका है। देन गाइस आपको स्पॉन्ज से इसको थोड़ा भिंगो कर आपको इसे हटाना है, नहीं तो आप अगर आप ऐसे ही इसको हटाएंगे तो गाइस आपका स्किन में पेन होगा। गाइस आप देख सकते हैं कितना लाइटली स्किन शाइन कर रहा है मेरा। तो सोचो गाइस अगर आप इसे यूज़ करोगे तो आपके लिए ये कितना इफ़ेक्टिव होगा। गाइस लाइक दिस वीडियो और इसका आपका बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। सो गाइस बाय बाय, मिलते हैं आपके लिए अपनी नेक्स्ट वीडियो में।